तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबार दिन हफ्ते का दूसरा दिन है, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेल रहे हैं वरुण दुबे। जिस तरह से वरुण ओवरऑल मूड माहौल लग रहा है वो तो काफी बेहतरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं अमेरिकी बाजारों से, पर कहीं ना कहीं हम डिकपलिंग जो है हम देख रहे हैं। पिछले हफ्ते भी जिस तरह से अमेरिकी बाजारों में लगातार जब गिरावट हो रही थी, हमारे बाजार दूसरे ही डायरेक्शन पकड़े थे। इनफैक्ट खासकर जो पिछला कारोबार उसके आखिरी दिन में आपको बहुत ही बेहतरीन तेजी देखने को मिली थी, पर आज तो डाउ जोन्स का भी सपोर्ट है। डाउ जोन्स का सपोर्ट है, वहाँ फेड की पॉलिसी के पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस के मार्केट्स में अच्छा खासा रिबाउंड है, लेकिन रिबाउंड का कोई कारण नहीं है केवल फेड की पॉलिसी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक बाउंस बैक है, शायद वही यूएस के मार्केट्स में देखने मिला है। डाउ जोन्स हो, नैसडैक हो, S&P हो, हर जगह अगर आप देखेंगे हरियाली देखने मिली, लेकिन आपका गिफ्ट निफ्टी जो आपको दिखा रहा है वो है गिरावट के संकेत। देखिए, कुछ देर पहले मेरे ख्याल से चाइना के PMI आंकड़े भी आए हैं और वो काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो सुस्त रहे हैं, तो एक जो उम्मीद थी कि शायद आज मेटल काउंटर्स काफ़ी तेज़ी दिखाएंगे, लेकिन ये चाइना का जो PMI आंकड़ा आया है ना, ये शायद आपको थोड़ा बहुत निराश कर सकता है। तो जो ओवरनाइट खुशी थी वो सुबह सुबह थोड़ी कम हुई है, हालांकि लेट सी कि क्या होता है, क्योंकि हम ज़्यादा क्यूज आजकल अगर आप देखेंगे तो US के मार्केट से ले रहे हैं। बहरहाल डाउ फीचर्स, नैसडैक फीचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी थोड़ा बहुत लाल निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। तो नो डाउट US के मार्केट्स जो तेज़ी में थे उसके तर्ज पर हम थोड़ा चलेंगे, लेकिन शायद ऊपरी स्तरों पे आपको थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी देखने मिल सकती है। एक बार एशियन मार्केट्स अगर सामने लेके आएंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ क्या हो रहा है। चाइना हो, निकेई हो, हैंगशांग हो, ये देखिए सबके सब लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो अगर कोई सरदर्द बनने वाला है आज तो वो एशियन मार्केट्स है, और जो चाइना के नंबर्स आए हैं उसके बेसिस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं वहाँ पे नज़र होगी। इसके अलावा नतीजों का सीज़न तो चल ही रहा है, तो लेट्स सी एंड होप कि नतीजों के बेसिस पे किस तरह का रिएक्शन देखने मिलता है। वैसे आज कोई ख़राब नतीजे तो है नहीं, TVS मोटर्स अच्छे ही आए हैं, मेरे को भी अच्छे ही लग रहे हैं, कुछ ख़राब नहीं लग रहा है क्योंकि उन्होंने भी अपना गाइडेंस बढ़ाया है। तो आज ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कल हमने देखा था कि M&M फाइनेंस हो, AU स्मॉल फाइनेंस, SBI कार्ड्स और जाते जाते पेट्रोनेट LNG, 8-10% के आसपास की गिरावट अगर ऐसे स्टॉक्स में आएगी तो फिर मार्केट में जो तेज़ी का कल पूरा ये था कि हाँ अच्छी तेज़ी हो रही है, वो इन स्टॉक्स के वजह से थोड़ी बहुत कम हो गई। इसके लिए आपने देखा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो इतना अच्छा नहीं था, और कच्चा तेल यहाँ पे भी और डॉलर इंडेक्स यहाँ पे भी थोड़ी नरमी देखने मिले। तो सेटअप अच्छा है, ये एशिया जो है ये आपका सेटअप बिगाड़ सकता है। बिल्कुल, तो एशिया सेटअप बिगाड़ सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऑफकोर्स 8:30 बजे बैंक ऑफ जापान की डिसीजन है वो भी आते हुए नजर आएंगे, तो देखना होगा कि वहां से किस तरह के संकेत बनते हैं, क्या मूव रहता है, क्या कमेंट्री रहती है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बट बहरहाल अभी जो हमारे पास सेटअप है उसको ध्यान में रखकर हमने जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज आपके सामने लेकर आएंगे उस पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले कैश सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं हमारे उसको चर्चा में लाते हैं। तो सबसे पहले कैश में वरुण आपने क्या लिया ये बताए। नतीजों के तर्ज पर मैंगलोर केमिकल यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 108 के लेवल के लिए 102 का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतरीन आए हैं, आप देखिए आय में 47% के आसपास की बढ़ोतरी है, मार्जिन थोड़े हल्के गिरे हैं लेकिन मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 37% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पर भी देखने मिली है। इनफैक्ट क्वार्टर क्वार्टर तो कंपनी घाटे से मुनाफे में भी आई है, तो मेरे ख्याल से हर पैरामीटर पे नतीजे अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ग्रोथ अच्छी है। और स्टॉक देखिए वैसे भी 100 रुपये के आसपास का स्टॉक है, और अगर आज बाज़ार में तेज़ी होती है तो इस स्टॉक में तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए 108 के लेवल के खरीदारी करना है, 102 का रखिएगा स्टॉक लॉस। बिल्कुल, तो दमदार आंकड़ों के लिहाज से मैंगलोर केमिकल से यहाँ पर खरकर चलनी है खरीदारी। चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है नेलकास का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। आंकड़े यहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ तक कामकाजी मुनाफे का सवाल है, 18% की ग्रोथ हुई है, 31.8 करोड़ पर अब कंपनी ने क्लॉकिंग किए हैं, मार्जिन भी 8.9% के आसपास आ गए हैं, और मुनाफा करीबन 37% ग्रो कर 17 करोड़ पर अब कंपनी ने दर्ज किया है। तो बेहतरीन नंबर्स नेलकास्ट के, 167 आज के लिए या आज का टारगेट बनेगा, 158 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है कैश पीस की बात, अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ, और आज के फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है हिंडाल्को पर। हिंडाल्को खरीदारी करने की राय इसलिए भी है क्योंकि एक तो US मार्केट्स में अच्छी खासी तेज़ी रही है, पर मोर इम्पॉर्टेंटली अल्कोआ में 8% से ज़्यादा की तेज़ी कल के दिन में बनती हुई दिखी थी, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हिंडाल्को और तमाम जो एल्यूमिनियम से जुड़े हुए स्टॉक है वहाँ पर अच्छी तेज़ी रह सकती है, और साथ साथ एल्यूमिनियम जो एज ए कमोडिटी है वो भी 4 हफ्तों की ऊंचाई पर आता हुआ दिख रहा है। तो खरीदारी कर चलिए, 472 रुपये के टारगेट के लिए 455 रुपये आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। आजकल हिंडाल्को की चाल समझ में नहीं आती, जब 8% अल्कोहल गिरता है तो हिंडाल्को 1% गिरता है, कभी कभी चल भी जाता है, लेकिन पता नहीं अगर 8% चला है तो देखते हैं कि आज हिंडाल्को और अल्कोहल के साथ क्या होता है।
हालांकि पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा है कि जब जब अल्कोहल गिरा है ना कुछ पता नहीं गिरता नहीं है लेकिन चलता तो चल जाता है, ऐसा क्यों? देखिए ये इस चीज़ का जो कनेक्शन है ना, अभी तक तो ये इस्टेब्लिश था कि अल्कोहल में जिस तरह की तेज़ी जब भी आती है तो अकॉर्डिंगली आपको हिंडाल्को नाल्को, क्योंकि इसके पहले भी ट्रेडर्स डायरी में हमने अल्कोहल के बेसिस पर ही काफ़ी बारी रिकमेंडेशन दिया, आपने भी दी है मैंने भी दी है, पर अब यही देखना है कि ये आगे चलकर ये जो ट्रेंड है ये जो पैटर्न है कोरिलेशन जिसको हम बात करते हैं वो कंटिन्यू रहता है नहीं, बट ऑफकोर्स एल्यूमिनियम एज ए कमोडिटी भी आप देखेंगे तो वो भी 4 हफ्तों की ऊंचाई पर है, नेहा भी इस चीज़ पर उनकी भी कमेंट्री आती हुई दिखी थी, तो मुझे लग रहा है इस वजह से हिंडाल्को तमाम मेटल स्टॉक ऑफ कोर्स आज चल सकते हैं। चलिए लेट्स सी कि आज चल जाए हिंडाल्को तो अच्छा है, 8% के आसपास अल्कोहल में तेजी देखने मिली है। फ्यूचर में बिकवाली है मेरी तरफ से और वो है पेट्रोनेट एलएनजी में, 198 के लेवल के लिए 205 का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए कल गिरावट हुई इस कंपनी के नतीजे आने के बाद, जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया कि 20,685 करोड़ के आसपास का निवेश करेंगे पेट्रोकेमिकल कारोबार में, उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। पहले कंपनी ने कहा था कि 14,500 करोड़ रुपये के आसपास का निवेश करेंगे, इसको बढ़ा के अब करीब 21,000 करोड़ के आसपास कर दिया। नो डाउट कल कॉनकॉल में कंपनी ने क्लेरिफाई किया कि 16,000 करोड़ रुपये के आसपास का निवेश है और बाकी जो 4,500 करोड़ है वो सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जो एस्केलेशन होगा अगर कॉस्ट में तो उसके चलते है, और इन्होंने क्लाइंट्स भी ढूंढ लिए हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस जो है उस तरह का नहीं था जिस तरह का रहना चाहिए, और कहीं ना कहीं एनालिस्ट कम्युनिटी शायद इससे खुश नहीं है, और इसके लिए आप देखिएगा तमाम लोगों ने अपने प्राइस टारगेट जो है वो काट दिए हैं, और सबसे बड़ा कटौती अगर किसी ने की है तो जेफरीज ने की है, डाउनग्रेड कर दिया इसको बाय से सीधा अंडर परफॉर्म, और टारगेट जो है 300 से काट के सीधे 180 का किया है, यानी कि 120 रुपये के आसपास अपने टारगेट्स में कटौती की है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास अपना टारगेट जो है वो काट दिया है। जेपी मॉर्गन 320 से काट के 275, सिटी 215 से काट के 185, यानी कि इनने भी कॉन कॉल सुनी है बट ऑब्वियस है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास कन्विक्शन नहीं है स्टॉक को लेके, इसके लिए इसको आज डाउनग्रेड किया गया है, तो हो सकता है कि आपको फॉलोअप सेलिंग देखने मिले, लेकिन फॉलोअप सेलिंग आज 5-6% की तो नहीं हो सकती, हो सकता है 1-2% के आसपास की आपको गिरावट देखने मिले क्योंकि कल काफ़ी गिर चुका है, लेकिन हाँ गिरावट होगी तेज़ी की उम्मीद नहीं है। 198 के लेवल के लिए बिकवाली कीजिएगा, 205 का स्टॉप लॉस रखना है, अगर 200 के नीचे आज क्लोज हो गया तो शायद आपको फिर 190-180 के आसपास के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में टीवीएस मोटर्स 1600 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, 70 रुपये के लक्ष्य के लिए 48 का स्टॉप लॉस रखेगा। कंपनी के नतीजे इनलाइन विद एस्टिमेट्स है, मार्जिन 11.1% पे है 10.2% से बढ़ के 11% का अनुमान था, मुनाफा 537 क्रोर्स पे आया है, 528 क्रोर्स का अनुमान था, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, सबसे बड़ा टारगेट अगर कोई दे रहा है तो वो जेफरीज दे रहा है 1750 से बढ़ा के अब सीधे 2000 रुपये का, और जेपी मॉर्गन 1480 से बढ़ा के 1735 का यहाँ पे प्राइस टारगेट दे रहा है, तो मेरे ख्याल से इसके चलते टीवीएस मोटर्स में हो सकता है तेजी हो, खरीदारी कीजिएगा 1600 का कॉल ऑप्शन, 70 रुपये के लक्ष्य के लिए 48 का रखते हैं आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से है आईसीआईसीआई बैंक का काउंटर जहां पर खरीदारी करनी है, दरअसल आप देखिए तो इसका एडीआर 2% से ज़्यादा कल चढ़ता हुआ नजर आया था, हालांकि हमारे बाजारों में भी निचले स्तरों से अच्छी खासी खरीदारी आईसीआईसीआई बैंक में होती हुई नजर आई थी और ऑलमोस्ट 1% के गेंस इसने भी दिखाए थे, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और फर्दर तेज़ी बन सकती है। इसका जो कॉल ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है 925 रुपये का, 18 रुपये पर अवेलेबल है, 30 रुपये का टारगेट बनाएंगे तो आज ये अचीव हो सकता है, 10 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस, तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है और साथ ही एडीआर में भी मजबूती का सहारा है। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक और टेक्निकल चार्ट्स पर वरुण ने क्या लिया है ये उनसे जानते हैं। एबीबी इंडिया यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ, 4170 के लेवल के लिए 4030 का स्टॉप लॉस रखना है। देखिए फंडामेंटली तो इस कंपनी पे आपको डाउट ही नहीं करना है, अच्छी कंपनी है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अच्छा परफॉर्मेंस भी देखने मिला है, पिछले कुछ दिनों में गिरावट आई थी लेकिन फिर से एक रिवर्सल देखने मिला है और कल 4000 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको इस कंपनी ने ब्रेक किया है, स्टॉक ने ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो मेरे ख्याल से इसके चलते आपको स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी फॉलोअप बाइंग देखने मिल सकती है। मार्केट का मूड अच्छा होगा तो स्टॉक में तेज़ी बनी रहेगी, मूड अच्छा नहीं भी होगा तो 4000 का लेवल मुश्किल है ये स्टॉक तोड़ेगा, 4030 का आज के लिए रखेगा स्टॉप लॉस, 4170 के लेवल के लिए करनी है खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए एबीबी इंडिया यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, टेक्निकली मजबूत लग रहा है काउंटर। चलिए मेरी तरफ से है बर्जर पेंट्स का काउंटर, यहाँ पर खरीदारी करनी है, कल भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2% तक की शानदार तेजी इसमें बनती हुई नजर आई थी और अब यहाँ पर फंडामेंटल क्यूज इनके लिए अच्छे बन रहे हैं क्योंकि कच्चे तेल में कल के दिन में ऑलमोस्ट 3% तक का आपको गिरावट भी आते हुए नजर आया था, तो ये एक बड़ा सपोर्ट है, ऑफकोर्स फेस्टिव डिमांड का तो सहारा है ही फंडामेंटली, तो टेक्नो फंडा पिक के लिहाज से बर्जर पेंट्स यहाँ पर खरीदारी करनी है, 562 रुपये के टारगेट के लिए 541 रुपये
में आपका होगा स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हो गई है टेक्नो पिक की बात, अब आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आज इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और अच्छे नतीजों की उम्मीद है, खासकर ऑपरेशनल फ्रंट पर आप देखिए तो कंपनी की 15% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 501 करोड़ पर कंपनी अपना कामकाजी मुनाफा दर्ज कर सकती है। ब्रांडेड टी सेगमेंट में इनका यहाँ पर अच्छी वॉल्यूम्स की एक्सपेक्टेशन है। साथ ही जो इनका फूड कारोबार है टाटा संपन्न के नाम से, वहाँ पर भी 18% की ग्रोथ हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। नरिश्को से भी अच्छी परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस हैं। एंड ऑफ कोर्स कंपनी की जो मार्जिन हैं 12.9% से बढ़ गए, इसी वजह से 13.7% इस बारी आ सकती है। तो अच्छे नतीजों की उम्मीद में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये खरीदारी करनी है। फंडामेंटली ऑफ कोर्स निफ्टी का स्टॉक है तो उसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो 927 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 890 रुपये होगा स्टॉप लॉस। चलिए तो ये है फंडा पिक कुशल की तरफ से टाटा कंज्यूमर्स, नतीजों के पहले आपको करनी है खरीदारी। मेरी तरफ से फंडा पिक के DLF खरीदारी की जगह 576 के लेवल के लिए, 542 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे अच्छे आए हैं, आय में अगर आप देखेंगे 3.5% की बढ़ोतरी है, एबिटा मार्जिन बढ़ के आए हैं, करीब 1% के आसपास की बढ़ोतरी एबिटा मार्जिन पे देखने मिली है। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे 622 करोड़ पे आया है, हमारा अनुमान 613 करोड़ का था। तो हर पैमाने पे नतीजे अच्छे हैं और एक क्वालिटी स्टॉक है जहाँ पे आप अपने पैसे लगा सकते हैं। इसके लिए DLF में आप कर सकते हैं खरीदारी 576 के लेवल के लिए, लेकिन 542 का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस भी आपको रखना है। माफ़ कीजिएगा, अगली कैटेगरी की तरफ चलते हैं जो कि है वर्ल्ड कप स्टॉक। और देखिए आज मैं एक वर्ल्ड कप स्टॉक लेके आया हूँ पिडिलाइट, यहाँ पे खरीदारी करना है। ज़्यादा समय नहीं, 1 से 1.5 महीना अगर आप देखेंगे तो 2500 के लेवल आपको देखने मिलेंगे। इस बीच कंपनी के नतीजे भी आएंगे, याद रखिएगा। और एक बात बता देता हूँ कि गोल्डमैन की दरअसल एक रिपोर्ट आई है और इन्होंने अपने लक्ष्य बढ़ाए हैं, सेल से बाय का कर दिया है और प्राइस टारगेट 2325 से बढ़ा के 2725 का कर दिया है। मेरे ख्याल से जब जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती है जहाँ पे सीधे बाय से सेल या फिर सेल से बाय किया जाता है, वहाँ पे अक्सर आपने देखा है कि स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती है। और वैसे भी कच्चा तेल अगर आप देखेंगे तो अब थोड़ा बहुत नरम होते जा रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तेज़ी आपको पिडिलाइट में देखने मिल सकती है। याद रखिएगा त्योहारी सीज़न भी शुरू हो चुका है और अक्सर त्योहारी सीज़न में एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, ये तमाम वो कंपनियाँ हैं जिनके प्रोडक्ट में अच्छी बिक्री देखने मिलती है। तो मुझे लगता है कि पिडिलाइट यहाँ पे अच्छे लेवल पे मौजूद है। इन लेवल्स पे अगर आप खरीदारी करेंगे तो करीब करीब 2500 यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास का अपसाइड जो है आपको पिडिलाइट में आराम से देखने मिल सकता है। अगर नीचे जाएगा तो निचले लेवल पे आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट भी करना है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा बड़ा है, इसके लिए मैं पिडिलाइट दे रहा हूँ आज का वर्ल्ड कप स्टॉक 2500 के लेवल, अगले 1 से 1.5 महीने में आपको आराम से इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। चलिए तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज यहाँ पर फोकस कर चलिए अगले 1 महीनों के लिए। मेरी तरफ से वर्ल्ड कप स्टॉक है सोना BLW प्रिसिजन ऑटो एंसिलरी स्पेस की कंपनी है। एंड ऑफकोर्स इनका जो EV पोर्टफोलियो है वो काफ़ी बड़ा है। अब आप देखिए ऑर्डर बुक 22,000 करोड़ के पार जाती हुई दिख रही है और FIIs की हिस्सेदारी ये बहुत ही शानदार है। 1/3 ऑफ द टोटल जो शेयर होल्डिंग है, 33.3% से ज़्यादा की होल्डिंग अब यहाँ पर FIIs जो है क्लॉक इन करते हुए दिख रहे हैं और आगे के लिए भी इनका जिस तरह का मूड माहौल लग रहा है वो और फर्दर तेज़ी का ही बन सकता है। रीज़न बीइंग पिछले कई क्वार्टर्स से आप देखिए धीरे धीरे यहाँ पर अच्छी खासी एक्यूमुलेशन FIIs लगातार करते हुए जा रहे हैं। फंडामेंटली स्टॉक मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी करीबन 18.5% का है और दूसरी तिमाही के आपको नंबर्स भी जब आए थे इसके तब भी आपने देखा था कि किस तरह का यहाँ पर तेज़ी बढ़ी थी। तो ऑफकोर्स सोना BLW प्रिसिजन एक अच्छी बेट रह सकती है EV ऑटो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री के लिहाज से। अगले 1 साल में 650 रुपये के टारगेट के लिए वर्ल्ड कप स्टॉक सोना BLW प्रिसिजन। चलिए ये तो हो गई है इस कैटेगरी की बात, अब आगे बढ़ते हैं निवेश के लिहाज से आपने कौन से स्टॉक्स लिए हैं। तो इसमें सबसे पहला कॉल मेरी तरफ से है एक्साइड इंडस्ट्रीज पर, यहाँ पर खरीदारी करनी है लंबी अवधि के लिए। ऑफकोर्स 300 के पार अब जाता हुआ दिख सकता है काउंटर, क्योंकि अब यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल बैटरी स्पेस है, खासकर जो लिथियम आयन एडवांस सेल्स ये बनाने वाले हैं आगे चलकर, वो इनके लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। इसके पहले ही कंपनी की तैयारी हो चुकी है, आपको याद होगा कि एक्साइड एनर्जी के नाम से इन्होंने 2022 में यानी कि पिछले साल ही ये एस्टैब्लिश किया था एडवांस केमिस्ट्री सेल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। बेंगलुरु में ये प्लांट है और 12 गीगावाट आवर्स की कैपेसिटी ये 2 फेजेस में करते हुए नजर आएंगे। तो ऑफकोर्स फंडामेंटल क्यूज इन सभी कंपनियों के लिए, चाहे आप एक्साइड इंडस्ट्रीज देखिए, अमर राजा बैटरीज देखिए, तो यहाँ पर ये फंडामेंटली इनके लिए आगे चलकर अगर EV OEMs में बिक्री बढ़ती है तो इनकी भी डिमांड आगे चलकर बढ़ सकती है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज इस वजह से खरीदारी करने की राय है, 300 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। चलिए तो 300 रुपये के लक्ष्य लिए यहाँ पे आपको एक्साइड इंडस्ट्रीज में करनी है खरीदारी। मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है निपॉन लाइफ, 450 के आसपास के लेवल अगले 6 महीने में आपको देखने मिल सकते हैं। नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं और देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है।
साथ ही साथ काफ़ी लंबे समय से चला नहीं है और अब जेफरीज की तरफ से अपग्रेड आ गया है। 370 से इन्होंने लक्ष्य बढ़ा के 440 के कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लिवर्स है जिसके वजह से अब आपको इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अगले 6 महीने में 450 के आसपास के लेवल जो है वो आपको निपॉन लाइफ दिखा सकता है। पोर्टफोलियो में रखिएगा इस स्टॉक को। अगली कैटेगरी है खबरों के दम पे, और खबरों के दम पे APL अपोलो, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। 1670 के लेवल के लिए 1570 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं, आय में 17% की बढ़ोतरी, खासकर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है क्योंकि मार्जिन 5.8% से बढ़ के 7% पे आए हैं। मुनाफे में 35% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, इसके चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। अच्छे खासे लेवल देखने मिल सकते हैं 1670 के, 1570 का रखना है स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो 1570 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खबरों के लिहाज से APL अपोलो यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। नंबर अच्छे आए ऑफ कोर्स ब्लू स्टार के भी, और यहाँ पर बेहतरीन तेजी बन सकती है। 6.5% के मार्जिन आए हैं 5.5% से बढ़कर। कामकाजी मुनाफा 43% ग्रो किया है और कंपनी का मुनाफा भी 66% की बढ़त के साथ 71 करोड़ पर अब बनता हुआ दिख रहा है। तो बेहतरीन नंबर आते हुए दिख रहे हैं ब्लू स्टार के। 898 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 863 रुपए का आपको रखना है यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो अपनी और फाइनल कैटेगरी माय चॉइस की तरफ, इसमें सबसे पहले मेरी तरफ से जो कॉल्स है वरुण मैं बता देता हूं, दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है हिंदुस्तान कॉपर का काउंटर, यहां पर कर चलनी है खरीदारी। आप देखिए यहां पर कॉपर जो है 3 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है और चार्ट स्ट्रक्चर पर भी मजबूती लग रही है हिंदुस्तान कॉपर, इस वजह से खरीदारी करने की राय है। कल भी आप देखिए तो यहां पर 2% की अच्छी तेजी बनी थी। 148 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 141 रुपए का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल भी खरीदारी का है और वो है फार्मा कंपनी जाइडस लाइफ साइंस पर, यहां पर खरीदारी करके चलिए। पिछले 3 दिनों में आप देखिए तो बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर बना है, धीरे धीरे अच्छे एक्युमुलेशन भी बनते हुए नजर आए हैं। 560-565 रुपए के लेवल से 580 रुपए के पास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 595 का नया टारगेट बनाइए, 575 रुपए का अब आपको यहां पर स्टॉप लॉस एडजस्ट कर चलना है। चलिए माय चॉइस में मेरी तरफ से भी दोनों के दोनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले स्पंदना स्फूर्ति 945 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा, 895 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि अच्छे हैं, NII में 72% की बढ़ोतरी है, मुनाफा अगर आप देखेंगे तो करीब 2.25 गुना बढ़ के आया है, एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो इसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए स्पंदना स्फूर्ति में खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी स्टॉक है मेरिको, 553 के लेवल के खरीदारी करना है, 525 का स्टॉप लॉस रखना है। नो डाउट इस बार रेवेन्यू गिर के आए हैं लेकिन कंपनी के मार्जिन में अच्छी खासी बढ़ोतरी है, अनुमान से बेहतर है, 20.1% पे आए हैं, 19.5% का अनुमान था। मुनाफा भी अगर आप देखेंगे 360 करोड़ का आया है। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 3% की है और कंपनी का कहना है कि आगे चल के मार्जिन्स में इजाफा हो सकता है 350 से 400 बेसिस पॉइंट के आसपास का। तो हमारी टीम का ये मानना है कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी हो सकती है, इसके लिए मैंने इसको अपने टीम में शामिल किया है। नो डाउट थोड़े बहुत ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट काटे हैं लेकिन इसकी आप चिंता मत कीजिएगा क्योंकि अभी भी टारगेट जो है वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर है। 853 के लेवल के खरीदारी करना है, 525 का रखिएगा स्टिक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए मैरिको यहाँ पर जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसके बाद ब्रोकरेज हाउस के एक्शन को ध्यान में रखते हुए आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। चलिए तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने विस्तार से तो चर्चा कर ली है पर एक क्विक रिकैप भी कर लेते हैं। सबसे पहले कैश पे से नेलकास्ट है, यहाँ पर जो दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं उस वजह से खरीदारी करनी है। साथ ही फ्यूचर्स में हिंडालको में खरीदारी कर चलिए, मेटल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। एल्यूमिनियम 4 हफ्तों की ऊंचाई पर है, अल्कोआ में भी अच्छी तेजी बनी है, ICICI बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत है, ADR में भी बेहतरीन तेजी है, कॉल ऑप्शन खरीद कर चलिए। कच्चे तेल में गिरावट का सीधा फायदा बजर पेंट्स को मिलता हुआ दिखेगा, 2% की कल भी तेजी थी। फंडामेंटली टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज के नतीजे भी आने वाले हैं, अच्छे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की उम्मीद है, खरीदारी कर चल सकते हैं। वर्ल्ड कप स्टॉक के लिहाज से सोना BLW प्रिसिजन अगले एक साल में 650 रुपए के टारगेट्स दे सकते हैं और सिमिलर अवधि के लिए एक्साइड इंडस्ट्रीज भी अगर आप होल्ड करते हैं तो 300 रुपए के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। ब्लू स्टार दमदार आंकड़े हैं, खबरों के लिहाज से यह फोकस में रहेगा और माय चॉइस कैटेगरी में हिंदुस्तान कॉपर और जाइडस लाइफ साइंस में कर चलिए खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है बर्जर पेंट्स का काउंटर, यहां पर बेहतरीन तेजी कल के दिन में बनी थी ऑलमोस्ट 2% की और साथ ही कच्चे तेल में अगेन 3% की जो कल गिरावट हुई है उससे सीधा फायदा इस काउंटर को फिर से मिलता हुआ दिख सकता है 562 रुपए के टारगेट के लिए। कैश में खरीदारी करना है मैंगलोर केमिकल में, अच्छे नतीजे आए उसके चलते तेजी हो सकती है। फ्यूचर में पेट्रोनेट LNG में बिकवाली करना है, कल की बिकवाली के बाद आज एक फॉलोअप सेलिंग देखने मिल सकती है क्योंकि ब्रोकरेज हाउस ने टारगेट घटाया है। जेफरीज ने बाय से सीधे अंडर परफॉर्म का टारगेट दिया है, 300 से काट के लक्ष्य 180 का किया है। ऑप्शंस में TVS मोटर 1600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है, नतीजे अच्छे हैं तेजी आ सकती है। टेक्निकली ABB इंडिया अच्छा लगता है, चार्ट मजबूत है, खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटल DLF यहाँ पे नतीजे अच्छे आए हैं, स्टॉक में तेजी हो सकती है। वर्ल्ड कप स्टॉक है पीडीलाइट, अगले एक महीने में 2500 के लेवल के लिए
गोल्डमैन ने यहाँ पे सेल से बाय की रेटिंग दी है, लक्ष्य बढ़ाए हैं 2725 के दे रहे हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। निवेश करना है निपॉन लाइफ में 450 के लेवल 6 महीने में देखने मिल सकते हैं। जेफरीज ने लक्ष्य बढ़ाया है 370 से बढ़ा के 440 का, उसके चलते आज भी तेजी हो सकती है। खबरों के दम पे APL अपोलो में खरीदारी कीजिएगा, नतीजे अच्छे, स्टॉक में तेजी हो सकती है। वहीं माई चॉइस में स्पंदना स्फूर्ति और मेरी को अच्छे नतीजों के चलते आज तेजी का पूरा पूरा अनुमान है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है TVS मोटर्स, नतीजे अच्छे आए हैं कंपनी के, साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउसेस ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खासकर जेफरीज अब 2000 के लक्ष्य इस काउंटर पे दे रहा है, तो मेरे ख्याल से अच्छी तेजी बन सकती है। कॉल ऑप्शन खरीदना है 70 रुपए के लक्ष्य के लिए, लेकिन 48 का रखिएगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप भी कर बता दिया है, पर आज कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन और किस तरह से आपको ट्रेड करना है, किस तरह की रणनीति बनानी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों से तो अच्छे संकेत है फेड की पॉलिसी के पहले, पर आज हमारे बाजारों पर कैसा रिएक्शन रहेगा, इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग कौशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल बढ़िया मूड है और पिछले दो दिन से आप देख रहे हैं फ्राइडे और कल दोनों दिन हमारे बाजार भी डेज हाई पर आपको बंद होते हुए दिखे, तो अब साथ में ग्लोबल क्यूज का भी सहारा है, अच्छा एक्शन बना हुआ है, नतीजों का भी रिएक्शन आने वाले हैं, देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा।